हेलो स्टूडेंट, एनपीसी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बस आप तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियो हम डालते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, आपके सामने है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो सेल्स में किस तरह से न्यूक्लियस में पैक्ड होता है, किस तरह के वो कॉम्बिनेशन बनाता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो सबसे पहले हम बात करें बेटा डीएनए पैकेजिंग के बारे में कि डीएनए पैकेजिंग करेगा क्यों या किससे करेगा। तो देखो, डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो एक नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेशित कण होता है, और सेल्स में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अंदर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि डीएनए किस तरह से बाइंड होता है, डीएनए किस तरह से पैक होता है कोशिकाओं में, उसी का नाम है डीएनए पैकेजिंग। अब सबसे पहले अपन बात करें कि डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताने वाले कौन थे भाई। तो डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताने वाले थे आरडी कॉर्नबर्ग, यानी आरडी कॉर्नबर्ग के दिमाग में सबसे पहले आया कि वास्तव में डीएनए क्या करता है, पैकेजिंग करता है, किसी न किसी से जुड़ता है। और डीएनए बड़ी खतरनाक चीज है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये हमारा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। और जिस तरह के अनुवांशिक कैरेक्टर मेरे में है, आप मान के चलिए एक पीढ़ी से कहाँ जाएंगे, दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। अब डीएनए पैकेजिंग की स्टार्ट हम करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस नेचर में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो केवल दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोशिका जो है उनका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी सेल जो है उसका नाम है यू कैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिका होगी। तो डीएनए पैकेजिंग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होगा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हम एग्जांपल लेते हैं एक जीवाणु का, एक बैक्टीरिया का, जिसका नाम है ई कोलाई, एस्करेशिया कोलाई। जब बायोटेक के बारे में बात करेंगे हम लोग, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, तो मान के चलिए हम ई कोलाई को दिन में 5 बार जबान में लेके आएंगे कि यार ई कोलाई एस्करेशिया कोलाई। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, स्पेशली न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है, सेल बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, या सॉरी मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, और मेम्ब्रेनस यानी झिल्लीयुक्त कोशिकांग तो प्रोकैरियोटिक सेल में होते ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, वहाँ डीएनए क्या होना चाहिए, इस साइटोप्लाज्म में स्क्रेटेड होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। लेकिन कमाल की चीज़ है कि बिना न्यूक्लियस के भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डीएनए स्क्रेटेड नहीं होता, फैला हुआ नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न अभी मैंने बताया कि डीएनए जो है वो कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ऋणावेशित कण है, और प्रोटीन कैसे हैं, धनावेशित कण है। अभी प्रोटीन जो है दो प्रकार के होते हैं बेटे, एक तो होते हैं कौन से प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और दूसरे जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो नेचुरल वाइज अम्लीय होते हैं, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक यानी कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो स्पेशली इन ई कोलाई, इन प्रोकैरियोटिक सेल, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो स्पेशली किससे जुड़कर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रोटीन से जुड़कर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जो केंद्रक तो नहीं होता लेकिन केंद्रक के समान होता है, और इस संरचना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, केंद्रकाप। ध्यान रखिए इस केंद्रकाप में केवल कौन से प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, जो कैसे हैं, अम्लीय है, जो किससे जुड़ रहे हैं, डीएनए से। तो केंद्रकाप में या न्यूक्लियोइड में या जीनोफोर में एक तो डीएनए है और एक कौन सा प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, अम्लीय प्रोटीन है, और इन दोनों के ग्रुप को ही हमने नाम दिया है केंद्रकाप, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। बहुत इजी है, आपको लगा बस डीएनए पैकेजिंग तो बहुत सरल है यार, कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, आपस में जुड़ गए और डीएनए पैकेजिंग हुई। लेकिन स्पेशली हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग थोड़ी सी कैसी होती है बेटा, हार्ड होती है, और उस पैकेजिंग को मुझे आपको यहाँ समझाना है जो स्पेशली किस तरह की होती है।
तो डियर स्टूडेंट, इन यूकैरियोटिक सेल स्पष्ट क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। जब स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा कौन सी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो ऑब्वियसली डीएनए पैकेजिंग कहाँ होगी, केंद्रक के अंदर मिलेगी, केंद्रक से बाहर नहीं होगी। और यहाँ पैकेजिंग में जो है वो हमें ध्यान रखना है कि स्पेशली कौन सा प्रोटीन के साथ किस तरह का ये रिलेशन बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है, नॉन हिस्टोन है, दीज आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। लेकिन आप देखिए नॉन हिस्टोन कैसे बताए थे मैंने, अम्लीय बताए थे, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसे बताया आपको, बेसिक यानी क्षारीय बताए। तो स्पेशली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पैकेजिंग में ये दो चीज़ें भाग लेती हैं। दो चीज़ें कौन सी, डीएनए ऋणावेशित कण और हिस्टोन प्रोटीन। अब होता क्या, आपसे ये पूछे कि कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन इसमें भाग लेते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन में आप ये देखिए H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3 and H4, H4। अब देखिए यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन जो मैंने काम में लिए हैं वो कौन कौन सा है, H2A, H2B, H3 और H4। और इन चारों हिस्टोन प्रोटीन के मैंने लिए हैं कितने मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल लिए हैं। देखिए आप काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये आठों मिलकर एक विशेष प्रकार की क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अष्टांशक, या इसे बोलते हैं ऑक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अष्टांशक या ऑक्टेंट कहते हैं। तो ये अपने पास देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, ऑक्टेंट है, अष्टांशक है, इसमें 8 है। ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो किसी न किसी एमिनो अम्ल से बने होंगे। तो यहाँ जो एमिनो अम्ल है स्पेशली H2A, H2B, H3, H4, इनमें दो एमिनो अम्ल होते हैं, एक का नाम होता है आर्जिनिन और दूसरे का नाम होता है लाइसिन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कौन से एमिनो अम्ल को शो करते हैं, आर्जिनिन को और लाइसिन को शो करते हैं। अब इस डायग्राम को आप और देखिए कि इस डायग्राम में मैंने H1 और लिखा है, इट मीन्स अब हिस्टोन प्रोटीन हो गए 5, लेकिन ऑक्टेंट के निर्माण में, अष्टांशक के निर्माण में H2A, H2B, H3, H4 के कितने अणु होते हैं, 2-2 अणु होते हैं, तो ये हो जाते हैं 8। ओके, जिसके ऊपर कौन लिपटा होता है, डीएनए लिपटा होता है, और इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आपसे पूछे भाई न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसोम दो चीज से बना है, एक तो किससे बना है, ऑक्टेंट से बना है, और एक हम बोल सकते हैं डीएनए से बना है, जिसको हम लिंकर भी कह सकते हैं। तो ये डीएनए जो है ये कौन सा डीएनए हो सकता है, ये लिंकर डीएनए भी हो सकता है। इसे लिंकर हमने क्यों बोला, क्योंकि आगे देखिए आगे जाके ये किससे जुड़ रहा है, H1 प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन है उससे क्या कर रहा है, देखो बाइंडिंग कर रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको लिंकर बोल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो न्यूक्लियोसोम में कौन कौन सी चीज़ें हुई, न्यूक्लियोसोम में दो चीज़ें हुई, एक तो हुआ डीएनए जो कैसा है, ऋणावेशित कण है, जो किस पर लिपटा हुआ है, हिस्टोन के ऑक्टेंट यानी 8 अणुओं पर लिपटा हुआ है। वो 8 अणु किसके हैं, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 और H4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर 8 बनाते हैं। और H1 इससे लिंकर डीएनए से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन फिर मैं बता रहा हूँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन को, और किसको, लाइसिन अमीनो अम्ल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम क्रोमेटिन में, एक वर्ड नया यूज़ किया है मैंने, क्रोमेटिन, यू नो क्रोमेटिन नेट जो आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाती है, तो जब क्रोमेटिन में हम स्पेशली इनको देखते हैं न्यूक्लियोसोम को, तो ये किस रूप में, बीड्स के रूप में, ऐसा लगता है कि इस पे क्या है, गांठे, और वास्तव में यही गांठे जो है कौन है, न्यूक्लियोसोम है, दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ओके, अब आगे बात करते हैं एक और चीज, जब हम क्या करते हैं बेटा कि इसके क्रोमेटिन को स्टैन करते हैं, रंगते हैं, अभिरंजित करते हैं, तो अभिरंजित करने पर इसके कुछ भाग
कैसे अभिरंजित होते हैं? डार्क अभिरंजित होते हैं, और कुछ भाग कैसे होते हैं? हल्के अभिरंजित होते हैं। डार्क यानी गहरे भागों को हम बोलते हैं हेट्रो क्रोमेटिन, और हल्के रंग के भागों को हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। तो गहरे रंग के भाग जो हैं, जो गहरे स्टेनो हैं, डार्क स्टेनो हैं, उनका नाम क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट स्टेनो हैं, उनका नाम क्या है? यू क्रोमेटिन। आगे अपन बात करें बेटा एक और चीज़ इसमें, क्या यूकेरियोटिक सेल में हमने कहीं भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट लिया? नहीं लिया। केवल कौन से सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हमारे अंदर यूकेरियोटिक सेल में कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ जीवों में डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो अम्लीय प्रोटीन है उनकी भी क्या होती है? जरूरत पड़ती है। और ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं NHCP, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो आपसे पूछे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है? डीएनए पैकेजिंग में काम आने वाले नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये अपने पास है डीएनए पैकेजिंग। और डीएनए पैकेजिंग स्पेशली 12th क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नीट एग्जाम में, लाइक H2A, H2B, H3, H4 कौन से अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं? देन योर आंसर इज आर्जिनिन और लाइसिन। फिर कोई आपसे पूछे कि डार्क स्टेन पार्ट क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन। लाइट स्टेन पार्ट कौन सा है? यूक्रोमेटिन। न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम क्या है? तो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम क्या है? ज़ीनोफोर है। क्या नाम है बेटा? ज़ीनोफोर है। तो देखिए इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक तो है कौन सा? ज़ीनोफोर। दूसरा इसमें है न्यूक्लियोइड। तीसरा पार्ट इसमें है न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। जो किस फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में है? ऑक्टेन फॉर्म में है। साथ में कौन है? डीएनए है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। आगे अपन बात करें इसमें कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, तो अप्रोक्स 200 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं किसमें? न्यूक्लियोसोम में होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और आपको ये दिया किसने? तो ये किसने मॉडल किसने दिया था? ये दिया था किसने? कॉर्नबर्ग ने दिया था। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ये डीएनए पैकेजिंग आप अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हमारे चैनल से लगातार जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके कुछ आपको लगता है कि हमें कुछ बताना है तो ज़रूर बताइए, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। कल का जो हमारा पॉइंट होगा वो स्पेशली होगा जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिकल मटेरियल होता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, और उसमें क्यों गुण होने चाहिए, आरएनए में क्यों नहीं होने चाहिए। डीएनए जो है स्टेबल क्यों है, आरएनए स्टेबल क्यों नहीं है, डीएनए में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्यों होती है, आरएनए में जेनेटिकल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होती, डीएनए जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर क्यों करता है, आरएनए जो है उसको ट्रांसमिटेड कैसे करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।